डियर स्टूडेंट्स, ये आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत ही आपका दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि आपका जो सिलेबस क्या है, आपकी जो बुक्स उनके नेम क्या है, एवं आपकी बुक्स के अंतर्गत या आपके जो पेपर्स की जो मार्किंग है वो किस तरीके से डिवाइड है यूनिट्स के अंतर्गत वहाँ पर, ठीक है। तो हमने जो बेसिक जानकारी थी आपके, क्योंकि ये आपका पहला वर्ष है ग्रेजुएशन के इस ईयर में, तो उसमें हमने सामान्य जानकारी एवं थोड़ी बहुत हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो सेकंड पेपर है आंशिक अवकलन वाला जो पेपर था, उसके बारे में सामान्य जानकारी भी हमने थोड़ी बहुत वहाँ पर की थी यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जो हमारे आगे की जो प्रोसेस है वो हम समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि आंशिक अवकलन किसे कहते हैं, क्या होता है इसमें, ठीक है, कैसे इसे ज्ञात करते हैं यहाँ पर, तो ये सब सामान्य बातें हमने वहाँ पर पढ़ी थी। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस एवं हमारी एक्सरसाइज को लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो हमें आंशिक अवकलन किस तरीके से करना है, आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये सब जो जानकारी आज इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर और फिर उसी को लेकर हम यहाँ पर आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि z बराबर tan इनवर्स y अपॉन x है तो सिद्ध कीजिए डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू z अपॉन वो सॉरी प्लस है बीच में प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आपके इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे प्रूव वाले होंगे यहाँ पर, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे सामान्य केवल संकारक ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए यहाँ पर, या डिफरेंशियल जो ऑपरेटर्स हैं वो आंशिक वाले वो आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जाए। तो हमारे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रूव वाले होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को लेते हुए ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि वेरिएबल में कुछ इस तरीके का फंक्शन है कि वेरिएबल में ये तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड में इस तरीके का फंक्शन है, ये इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट के रूप में यहाँ पर, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए यदि मैं यहाँ पर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई ज्ञात करना चाहता हूँ, ये जेड ले लूँ मैं यहाँ पर, जेड को मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहा हूँ और x और y को मैं जेड को तो मैं डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहा हूँ और x और y को मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया कि z का x और y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले आपने क्या देखा कि पहले यहाँ y के रेस्पेक्ट में हो रहा है और फिर यहाँ x के रेस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पर। तो जो आंशिक अवकलन जो संकारक होते हैं वो क्या होते हैं, जिस चर के लिए आप उनका अवकलन करते हो उसके क्रम से क्या होते हैं, वो ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता वहाँ पर। आप किसी भी ऑर्डर में उनको आप ले सकते हो। तो किसी भी ऑर्डर में लेने पर उनके जो आंसर्स हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, पहले y के लिए फिर x के लिए, तो यही परिणाम किसके लिए प्राप्त होगा आपको, पहले चाहे आप वाई ले लो और फिर उसके बाद क्या ले लो आप एक्स ले लो। तो यानी ये जो हमारे जो संकारक होते हैं या जो डिफरेंशियल जो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो चरों के जो क्रम है इनका यहाँ पर आंशिक अवकलन में वो क्रमों से क्या होते हैं, रहित होते हैं। कि चाहे आप x के लिए पहले कर लो, चाहे y के लिए कर लो, और चाहे y के लिए करके फिर उसका x के लिए कर लो, किसी भी तरीके से आप उनको ले सकते हो। तो उनके जो मान है उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पर इस चीज़ को करेंगे। लेकिन हमारी बुक्स के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि जो ये है ये सबसे पहला है आपका, यानी फर्स्ट सबसे पहले हमें जेड का एक्स के सापेक्ष करना पड़ेगा, फिर वाई के सापेक्ष करना पड़ेगा, और भी यदि कोई वेरिएबल है तो बारी बारी से फिर उसके सापेक्ष हमें करना पड़ेगा। तो हम हमारी इस बुक के अंतर्गत इस तरीके से मानते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या मानेंगे कि जो पहला है सबसे पहले वो पहली बार हो रहा है, दूसरे जो हमारा वेरिएबल है वो सेकंड वाला है तो सेकंड टाइम उसको किया गया यहाँ पर। तो हमारा क्रम ताकि हमें बार बार इस चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो, तो इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर पहले से ही चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है यहाँ पर। तो आपके सामने दे ही रखा है कि z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर x और y दो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, हमने सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा पहला पार्ट और उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना होगा, दूसरा पार्ट, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें जीरो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो हम जानते हैं चूंकि डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है
उसका एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कैसे करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के सापेक्ष जेड का आंशिक अवकलन किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, ये हम समझेंगे आज सबसे पहले। तो हम सामान्य सी बात क्या करती हमने जब लास्ट वीडियो में यहाँ पर कि जिस वेरिएबल के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हो बस वही वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या होंगे उसमें कॉन्स्टेंट होंगे। जिस वेरिएबल के सापेक्ष हम कर रहे हैं वही क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा, और बाकी जो भी अन्य वेरिएबल होंगे वो सबके सब क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे। यहाँ पर तो क्या ले लिया कि डेल जेड अपॉन जो डेल एक्स है उसमें हमने x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इस फंक्शन में और जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सबके सब क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे। तो अन्य वेरिएबल कौन बचा फिर, y, तो y यहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो फाइनली आपको करना क्या है कि tan इनवर्स c अपॉन x, कि जैसे c कोई कॉन्स्टेंट है पर यहाँ पर 1 अपॉन x लिखा है, इस तरीके के आपको किसी फंक्शन का क्या करना है, अवकलन करना है। तो सभी जानते हैं कि tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जहां पर जो x होता है वो tan के कोणांक के अंतर्गत जो चीज लिखी गई होती है, ये जो कोणांक होता है वो हमारा क्या होता है, यहां पर tan इनवर्स के अंतर्गत जो भी यहां लिखा होता है वो हमारा क्या होगा, यहां पर x, तो यहां क्या लिखा है y अपॉन x, तो क्या कर देंगे 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी y स्क्वायर x स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा यहां पर कि हमारा जो x है वो मानक रूप का नहीं था, ये तो तब होता कि जब हमारे पास सिर्फ tan इनवर्स x होता तब उसका जो अवकलन है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता, लेकिन यहां तो x की जगह क्या है 1 अपॉन x है और ऊपर क्या लिखा है, कांस्टेंट y लिखा गया है, तो हमें y अपॉन x का फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो y अपॉन x का अवकलन क्या होगा, y एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो कहां जाएगा, बाहर, हमें किसका करना पड़ेगा 1 अपॉन x का, और 1 अपॉन x का अवकलन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। तो फाइनली हमें y अपॉन x का अवकलन क्या मिल गया, माइनस का y अपॉन x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, तो y अपॉन x का हमने अलग से जब अवकलन करके लिखा था तो हमें क्या मिला है, माइनस का y अपॉन x स्क्वायर। फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर आंशिक अवकलन में जिस वेरिएबल के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हो सिर्फ वो ही वेरिएबल होगा, बाकी उसके अलावा जितनी भी जो वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे वो सबके सब क्या होंगे, आपके कॉन्स्टेंट जैसा बिहेव करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हो गया हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा जो प्रथम कोटि का था वो तो हमने प्राप्त कर लिया, इसको और आगे हम थोड़ा सोल्व करके लिखें तो क्या जाएगा कि माइनस का वाई अपॉन, यहाँ से देखिए मैं इसका एलसीएम ले लूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो ये एक्स स्क्वायर था नीचे वाला वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो ऊपर एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर यहाँ वाई के साथ वाला, तो उस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा सिंपल माइनस का वाई अपॉन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसका फिर से करेंगे यहाँ पर एक बार अवकलन और, क्योंकि हमें द्वितीय कोटि का अवकलन गुणांक चाहिए, ये वाला x के सापेक्ष दो बार, तो x के सापेक्ष दो बार करने के लिए हमें इसको एक बार और करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास आ गया कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दोबारा फिर से इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में देखिए माइनस का y कांस्टेंट है तो इसको मैंने अलग कर लिया, ठीक है। अब हमें इसका समाकलन, इसका अवकलन करना है यहाँ पर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, तो यदि यहाँ पर सिर्फ इतना सा हो, जैसे हमारे पास इतना हो यहाँ पर कि 1 अपॉन x स्क्वायर यदि आपके पास में लिखा गया हो, और इसका हमें क्या करना हो विद रेस्पेक्ट टू x, हमें क्या करना हो डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो क्या करेंगे हम x स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं कि d अपॉन dx x की पावर माइनस दो, उसको वहां पर लिखते हैं, और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा कि माइनस का दो x की पावर तीन हो जाएगा, माइनस का तीन और डिवाइडेड वो सॉरी इतना आ जाएगा हमारे यहाँ, इसको मैं और आगे सोल्व करके लिखू तो क्या आ जाएगा माइनस का दो बटे x की पावर तीन, ठीक है। तो हो क्या रहा था यहाँ पर कि जो भी पावर्स है ये एक इंक्रीजिंग हो जाती है, और नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आ जाता है, ये जो पावर है वो कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है, इतना सा होता है। तो हमारे पास इसकी पावर कितनी है, वन है इसकी पावर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे के पूरे को हम पूरा वेरिएबल एक ही मान रहे हैं यहाँ पर कैपिटल एक्स, तो चाहे आप कैपिटल एक्स का जैसे अवकलन कर रहे हो वैसे यहाँ इसका मान सकते हो, तो कैपिटल एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसके बेसिस पे हमने ये किया है, ठीक है। अब हमें फिर से अभी भी हमारी जो टर्म्स थी वो केवल x नहीं थी, उसके अंतर्गत तो x स्क्वायर लिखा गया था और y स्क्वायर लिखा गया था,
तो दोबारा जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2x कि x स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2x, और जो y स्क्वायर है उसका क्या हो जाएगा 0। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। इसको मैं सोल्व करके लिखूं यहाँ पर, तो सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा क्या, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा वाई 2xy, y यहाँ से 2x यहाँ से, तो 2xy डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें जो इसका प्रथम रिजल्ट है, हमारे जो फलन z का है उसका जो प्रथम रिजल्ट है, यानी डेल 2z अपॉन जो डेल x स्क्वायर है, वो हमें इस तरीके से प्राप्त हुआ। एक हमने प्राप्त कर लिया, इसको लिख लिया। अब इसी तरीके से हम इसका जो दूसरा भाग है, यानी कौन सा, डेल 2z अपॉन डेल y स्क्वायर प्राप्त करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे यहां पर, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट इसका यहां पर, तो मैं इसको यहां लिखता हूं दूसरे वाले को। आपकी बार हमें किसके लिए करना है, पुनः आपकी बार हमें z का y के रेस्पेक्ट में करना है, तो कीजिए। तो क्या आ जाएगा, क्या लिखो यहां पर, डेल z अपॉन डेल y, कि z का y के रेस्पेक्ट में करो। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो tan के लिए तो हमारा वही पहले की तरह की 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फिर अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया था, इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे हम यहाँ पर, तो y का तो हो जाएगा 1 और x हमारा जो कॉन्स्टेंट था वो एज इट इज रहेगा यहाँ पर। इसको और सोल्व करूंगा यहाँ पर, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर था वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और यहाँ पर कितना लिखा है 1 अपॉन एक्स, तो उस एक्स से इसकी एक पावर चली जाएगी, हमें सिंपली क्या मिलेगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी डेल जेड अपन जो डेल एक्स है वो हमें ये प्राप्त हो गया। अगेन इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे इसका यहाँ पर, तो अगेन करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ पुनः अवकलन करने पर, पुनः आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक ही होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो फंक्शन जेड है वो, हमारा जो जेड है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस वजह से चाहे आप अवकलन करके लिखो चाहे आप आंशिक लिखो, दोनों का अर्थ एक ही होगा यहाँ पर। तो यहां हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, यहां से देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो यहां से इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, देखो एक्स के लिए कर रहे हैं तो एक्स ऊपर भी स्थित है, वाई के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, तो वाई के लिए लेंगे इसको, ये वाई के लिए तो किया था ऊपर, तो यहाँ पर भी किसके लिए होगा, ये वाई के लिए, तो y के लिए कर रहे हैं तो x क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको ले लिया ब्रैकेट से बाहर। इस वाले का करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी तरह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इसका फिर से करना पड़ेगा जो यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिखा गया तो x स्क्वायर का तो 0, और y स्क्वायर का क्या आ जाएगा, y स्क्वायर का हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और जब हमने इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा था, तो आप जानते हो कि इसका जब अवकलन करते हैं तो माइनस सिन और आता है, तो यहाँ पर माइनस सिन और आएगा ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स ये तो कांस्टेंट था, ये तो बाहर हो गया था, अंदर ब्रैकेट के हमारे क्या आ जाएगा कि जो 1 अपॉन वाई था इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो उसके बेसिस पे हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इस अंदर वाले जो टर्म्स था इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ क्या मिलेगा, 2y। अब इसको सोल्व करके मैं यहाँ पे लिखूं तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2xy एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मुझे जो सेकंड ऑर्डर का जो मुझे इस तरीके का रिजल्ट मिला वो मुझे ये मिला यहाँ पर, ये हो जाएगा b, ठीक है। तो a भी मिल गया, b भी मिल गया, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो a व b से a प्लस बी मैं यहां पर करूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि एक तो था नेगेटिव और एक क्या था पॉजिटिव, तो दोनों जब ऐड होंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे जो फंक्शंस होंगे उनके हम आंशिक अवकलन गुणांक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को समझाया है, पुरानी चीज़ों को भी दोहरा कर उस चीज़ को समझाया हमने यहाँ पर कि किस तरीके से आंशिक अवकलन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आपको दो तीन जो वीडियो होंगे उनमें आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि किस तरीके से आपको आंशिक अवकलन करने हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आगे के जब वीडियो होंगे तो हम इस चीज़ को बार बार नहीं दोहराएंगे, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से विकसित हो जाएगी वहाँ पर,
तो हम फिर आगे की जो हमारी बड़ी हुई चीजें हैं या जो हमारी आगे की बढ़ती हुई चीजें हैं उनको हम फिर सीधा सीधा करने की कोशिश करेंगे वहां पर। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। v बराबर 1/√ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर यहां पर इसका हो रहा है। यहां पर ये हमें यहां पर दिया गया है, होल स्क्वायर नहीं हो रहा, केवल इतना ही यहां पर किए। v बराबर है 1/√ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और हमें करना क्या है सिद्ध, यहाँ पर हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और बराबर क्या है, जीरो। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है यहाँ पर इस वाले प्रश्न में, ठीक है। तो लेकर चलते हैं इस प्रश्न में, तो यहाँ पर आपको तीन रिजल्ट दे रखे हैं, 1, 2, 3। तो पहले इसको कैलकुलेट करोगे, फिर इसको और फिर इसको, और तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे आप। तो हमने क्या लिखा, सर्वप्रथम हमने ज्ञात किया कि जो हमारा v था उसके लिए उसका x के सापेक्ष हमने क्या किया, आंशिक अवकलन ज्ञात किया। तो डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल एक्स ज्ञात करेंगे, तो हमें पता है हमें इस तरीके से दिया गया है, तो हमने इसको कैसे लिखा कि डेल अपॉन डेल एक्स, और ये जो हमारा रिजल्ट था ये ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2 हमें ये प्राप्त हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इसका एक्स के सापेक्ष करना है, जो हमने बाहर ले लिया था यहाँ पर, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमने अभी तक तो कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर जो नीचे थी ऊपर जाके किसकी हो जाती है, नेगेटिव की हो जाती, तो यहाँ इसकी पावर कितनी होगी, नेगेटिव की। अब एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन कीजिए, अवकलन कीजिए यहाँ पर, तो अवकलन करेंगे तो आप जानते हो कि जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक है। और जो भी यहाँ पर रिजल्ट है वहां पर इसकी पावर में क्या जाएगा, 1 की वृद्धि और हो जाती है, तो क्या इतना हो जाएगा कि माइनस का 1/2 एन तो आगे आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा, एन गुणा एन माइनस वन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस वन और आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और अंदर की सारी टर्म्स हमने जो की तो लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर से कह रहे हैं आंशिक अवकलन में जिस चर के सापेक्ष आप कर रहे हो वही वेरिएबल होगा, बाकी के जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो। तो यहाँ से इसी का सिर्फ हो सकता है, बाकी ये दोनों कैसे होंगे, जैसे कॉन्स्टेंट होता है ठीक उसी तरीके का। अगर यहाँ पर सिंपल केवल x होता है इसकी पावर माइनस का 1/2 होती तो हमारा ये रिजल्ट ठीक था, लेकिन यहाँ तो अंदर टर्म्स और हैं यहाँ पर, तो इन टर्म्स का हमें एक बार फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करूंगा तो पहले का कितना आ जाएगा 2x, और बाकी दूसरे तीसरे का कितना आ जाएगा, 0। तो मुझे मिलने क्या वाला है यहाँ पर, सिर्फ 2x। तो 2 से 2 मैंने यहाँ पर काट दिए, और जब इसको सोल्व करके लिखा तो मुझे मिल गया माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 मुझे यहाँ पर प्राप्त हो गया। अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको मैं पुनः कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि माइनस का x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमारे पास इसका एक बार फिर से करना है, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया था कि डेल बी अपॉन डेल एक्स हमें प्राप्त हो गया था। हमें इसका फिर से किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष हमें और करना है। तो जब इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो देखो ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है, और ऐसा जब हो जाता है हमारे पास कि एक्स का ही फलन ऊपर होगा अंश में और एक्स का ही फलन नीचे होगा, तो उस कंडीशन में हम वहां पर किससे करते हैं उसको यू अपॉन वी से, ठीक है, यू अपॉन वी का जो हमारा नियम है अवकलन करने का उसको यूज में लेते हैं। तो यू अपॉन वी के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले नीचे वाले को छोड़ दिया जाता है। तो जैसे हमने इसका द्वितीय कोटि का अवकलन गुणांक ज्ञात किया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्या किया जाता है उसमें माइनस का चिन्ह कॉन्स्टेंट है, तो इसको आप क्या ले लो बाहर ले लो। तो नीचे वाले को छोड़ दिया जाता है, यानी किसको छोड़ दिया, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर जो माइनस प्लस का 3/2 थी इसको छोड़ दिया। ऊपर वाले का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 हो गया। अब की बार क्या करेंगे, पीछे माइनस का चिन्ह आता है, दूसरी बार क्या करते हैं कि जो जिसको हमने छोड़ दिया उसका तो हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो किसको छोड़ा था हमने इस वाले को, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा कि 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, 3/2 की वजह से कितना आ जाएगा यहां पर, इसका अवकलन कर रहे हैं तो कि 3/2 माइनस का 1, 3/2 माइनस का 1। लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ ये, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिंपल यदि ये एक्स होता तब तक तो ठीक था, लेकिन यहां तो अंदर और है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हमें इसका और करना पड़ेगा, तो आगे कितना आ जाएगा 2x और आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसका अवकलन कर दिया यहाँ पर आंशिक अवकलन। ये तो हो गया u अपॉन v वाले के लिए ऊपर वाला भाग। नीचे वाले में क्या हो जाता है कि जो भी नीचे लिखा गया होता है उसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर जो 3/2 थी इसका हमने क्या कर दिया वर्ग, और वर्ग कर दिया तो कहां पर मिलेगी, वो पावर ऊपर आ जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, हमें कितना प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया नीचे यहाँ पर, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं इस चीज को, तो आगे हमने देखा यहां पर आगे हमने इसको देखा तो हमें प्राप्त हो गया है यहां पर कि डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, सोल्व करो थोड़ा सा इसको यहां पर, तो जो भी चीजें कैंसिल होने वाली है 2 से 2 कैंसिल हो गया है यहां पर, इस x से ये x मल्टीप्लाई होगा क्या देगा हमें x स्क्वायर देगा, ठीक है। तो हमने इसको दोबारा लिखा तो हमें प्राप्त हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ यहाँ कितना गया x से x मल्टीप्लाई होगा कितना गया x स्क्वायर, तो माइनस के 3x स्क्वायर, ये तो यहाँ से आ गया, और क्या बचा अंदर 3/2 में से एक चलेगा तो पावर कितनी बची, हाँ, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, हाफ आ गई यहां पर आधी, क्योंकि 3/2 में से एक चले जाएगा तो कितना रहेगा आधा, तो हमने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। ये तो ऊपर का काम हो गया यहां से यहां तक का, नीचे वाले में हमने क्या किया था इसकी पावर 2 ली थी, क्योंकि नीचे वाले का वर्ग हो जाता है तो उसकी वजह से 3/2 कन्वर्ट हो गए किसमें, हो गई 3 में, तो क्या आ जाएगा नीचे, नीचे हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3। इसको और थोड़ा यदि हम सोल्व करें तो यहाँ से हम देखें तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, ये कॉमन हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये कॉमन यदि ऊपर से ले ले तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर 1 बचेगी, पावर 1 का मतलब यही होता है, और इधर वो क्या बचा माइनस का 3x स्क्वायर हो गया। यहां से देखा तो यहां से आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है, और पावर कितनी आ गई 3 अभी भी, यहां से 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चलेगा तो कितने आ गए माइनस के 2x स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिजल्ट रहा, एक काम आप ये भी कर सकते हो कि 1/2 से इसकी जो 3/2 पावर में से जो भाग कटता है उसको काट दो, तो कितना बचेगा, यहां तो बचेगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर से कटकर कितना बचेगा माइनस के 2x स्क्वायर, तो क्या बचा हमारे पास, बचा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर, और नीचे क्या रहा हमारे पास, नीचे रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2, यानी 3 में से जब हाफ चले जाएगी तो पावर कितनी रहेगी
फाइव बाई टू रहेगी यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया है, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसको मैंने नाम ले लिया ए नंबर। अब इतनी लेंदी प्रोसेस हम दोबारा करें तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और जिसको करना में हमें समय लगेगा यहाँ पर। तो उसके लिए हमारे मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक सिमेट्री नियम होता है, सममितता नियम, कि जो प्रोसेस किसी एक वेरिएबल्स के लिए हो रही है और वो अन्य जो वेरिएबल्स हैं वो भी सेम कंडीशन वहाँ पर रखते हैं, या वो सिमेट्रिक नियम का यदि पालन कर रहे हैं तो वहाँ पर उनके परिणामों भी सिमेट्रिक तक नियम को लगा सकते हैं। अब सममितता नियम क्या हो रही है, देखो कि x एक पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा, कि x का मान आप चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, सदैव उसकी वैल्यू वर्ग के कारण सदैव धनात्मक बनने वाली है। y का मान भी उसी तरीके से, कि y का मान भी सदैव धनात्मक होगा और z का मान भी उसी तरीके से सदैव धनात्मक होगा। इसकी पावर भी दो है, इसकी पावर भी दो है, इसकी पावर भी दो है, तो इनके रिजल्ट में जब होगा तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो उस नियम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तो हम लिखेंगे सममितता नियम, सममितता नियम, सममितता नियम से इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, कि जो रिजल्ट हमने एक्स के लिए प्राप्त किया वो बाकी अन्य वेरिएबल्स के लिए भी हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो डेल एक्स एक्स के लिए पहले कर चुके हैं, तब की बात किसके लिए होगा, वाई के लिए। तो क्या होगा कि डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और जब वाई के लिए करेंगे तो इनमें देखो क्या अंतर रहा था, कि जब हमने एक्स के लिए किया था तब वहां पर पॉजिटिव में एक्स नहीं आया था बल्कि नेगेटिव में माइनस के टू एक्स स्क्वायर आ रहे थे, और नीचे तो कोई है ही नहीं ऐसा कुछ एक्स के लिए कुछ हो रहा हो अलग से यहाँ पर। तो जब y के लिए करेंगे तो हिसाब से क्या आना चाहिए कि माइनस का 2y स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ बाकी के बचे हुए वेरिएबल x और z आने चाहिए। और जब z के लिए करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, x और y आना चाहिए, यहाँ माइनस का कितना आना चाहिए, 2z स्क्वायर। ठीक है, तो इस सममितता नियम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इसका लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस के 2y स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे तो सेम रहेगा ही, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर की पावर 5/2। इसी प्रकार से तीसरे के लिए कर लेंगे तो डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर कितना होगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2z स्क्वायर, यानी जो भी होगा z होगा चाहे y होगा वहां सब्ट्रैक्शन के रूप में आता है सदैव दो गुणा के साथ, और यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 5/2। ये हो गया आपका v पार्ट और ये क्या हो गया आपका c पार्ट, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पार्टों को जोड़ दिए तो रिजल्ट कितना मिलेगा आपको, देखो यहाँ x स्क्वायर यहाँ x, क्योंकि तीनों के हर तो समान है, हर समान है तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ कि डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर एवं डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो तीनों के हर समान है, यानी तीनों के जो अंश हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं, जब हर समान होते हैं किन्हीं भिन्नों के तो उनके अंश आसानी से जुड़ जाते हैं, तो अंशों को हमें देखना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो दो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गए तो दो हमें नेगेटिव मिल गए तो दोनों से वो हट गए। वाई स्क्वायर यहाँ है और वाई स्क्वायर यहाँ है, दो वाई स्क्वायर हो गए तो दो वाई स्क्वायर नेगेटिव गए थे वो भी यहाँ से हट गए। इसी प्रकार से दोनों जेड स्क्वायर भी हट जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो। और यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर कि फंक्शन वी के लिए हमें इस परिणाम को प्रूव करना था कि उसके तीनों वेरिएबल्स में द्वितीय कोटि के जो आंशिक अवकलन गुणांक हैं उनका जो योग है वो कितना होता है, जीरो होता है, और यही आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना था। ठीक है, तो आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा जो चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक चीज और समझते हैं यहां पर,
हमारा एग्जांपल नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर दे रखा है x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर सीधे हमें दे रखा है, हमें सिद्ध करना है तब c है ये c, तब x बराबर y बराबर z पर, x बराबर y बराबर z पर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वो सॉरी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है माइनस का एक्स लोग ई एक्स की पावर माइनस वन। इस तरीके से हमें इसको सिद्ध करना है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इस फंक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो जेड है वो तो कौन सा है आपका, जो जेड है वो तो आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और बाकी के दोनों क्या हैं आपके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। यहाँ पर जो x और y है वो तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो z है वो आपका कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसको लीनियर बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर x हो रहा है, y की पावर y हो रहा है, z की पावर z हो रहा है। तो आप जानते हो कि जब इस तरीके का फंक्शन हो तो हमें यहाँ पर लॉग के द्वारा हम इनके पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं लॉग लेकर यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे, दोनों पक्षों का क्या लेंगे, लॉग लेंगे यहाँ पर। तो मैंने लिखा प्रूव में यहाँ पर x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर जो c है, इसके दोनों पक्षों का हमने क्या ले लिया, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो लॉग लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, लॉग x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर कितना हो जाएगा, लॉग c। केवल सिंपल लॉग ले रहे हैं यहां पर। अब हम जानते हैं कि लॉग के अंतर्गत कुछ चीजें गुणा में हो जाती हैं, तो उनको हम योग के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख दिया, लॉग x की पावर x प्लस लॉग y की पावर y प्लस लॉग z की पावर z बराबर लॉग c, ठीक है। यहां से हमने इसको और आगे देखा तो यहां पर जो कोई किसी भी वेरिएबल की पावर जो होती है लॉग के अंतर्गत वो आगे आ जाती है। तो कैसे हो जाएगा, x लॉग x, y लॉग y और z लॉग z बराबर लॉग c। अब हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसा हो गया है कि हम इसका सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, अवकलन अब कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि समीकरण एक का x के सापेक्ष, समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो सिर्फ x ही वेरिएबल होगा और बाकी के जो होंगे वो क्या होंगे, बाकी के जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। हमें यहाँ पर प्राप्त भी क्या करना था, हमें विद रेस्पेक्ट टू जेड यहाँ पर प्राप्त करना था, तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो हमने इसका जब अवकलन किया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x, x वाले में क्या होगा, हमें यहाँ पर x पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का किया तो कितना आ जाएगा, x अपॉन x हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरे वाले पद में क्या करेंगे कि पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का अवकलन किया, पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन किया, अब की बार क्या करेंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो वन और दूसरे को छोड़ देंगे, यानी किसको छोड़ देंगे, लॉग x को, x के सापेक्ष करें, इस वजह से ऐसा आया है। y हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, y कॉन्स्टेंट होगा तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, जीरो। तीसरे पर आओ, जेड वाले पर, तो जेड वाले में क्या होगा कि जेड में एक्स और वाई दोनों अंदर उपस्थित हैं, कि जेड तो खुद ही फलन, वो हमें यहां से पता लगा कि जो चीज हमें सिद्ध करनी थी वहां से हमें पता लगा कि जेड तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने शुरुआत में बात की थी कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात आती है तो वो ही कॉन्स्टेंट हो पाते हैं, जो डिपेंड है वो नहीं होगा यहाँ पर। तो हमें इसको नहीं कर सकते यहाँ पर, इसको हम जीरो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि खुद ये तो फलन है जिसका हमें अवकलन करना है यहाँ पर, तो इसको जीरो कैसे कर पाएंगे यहाँ पर। तो यहां से हमने देखा कि पहले को छोड़ दिया, दूसरे का जब किया तो कितना आ गया, जेड, और जब जेड का हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा तो जेड का कितना हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़े यहां पर हम, तो हमने क्या किया दूसरी बार, अब की बार जिसको छोड़ दिया, लोग जेड को छोड़ दिया, और जब जेड का किया तो कितना हो गया, वन, लेकिन यहां से हमने देखा कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमें और प्राप्त हो जाएगा,
तो हमें सिंपल जब लॉग जेड का किया तो लॉग जेड का हो जाएगा वन अपॉन जेड, और ये जेड पहले से, लेकिन जेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जेड का हमें फिर से करना पड़ेगा, तो कितना आ गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ गया। आगे हमने अब की बार किसको छोड़ दिया था, लॉग जेड को छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, और जब जेड का किया तो जेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी वजह से क्या जाएगा लॉग जेड अपॉन एक्स, और आगे लॉग सी सी एक कॉन्स्टेंट है तो उसकी वजह से क्या जाएगा इसका जीरो। ठीक है, अब देखिए आगे एक्स ए एक्स कैंसिल, तो यहाँ कितना मिलेगा वन प्लस लॉग एक्स, और आगे बढ़े यहाँ तो यहाँ से हमने दोनों से इसको कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा वन, और वहां से कितना मिल जाएगा लॉग जेड, तो वन प्लस लॉग जेड, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो। हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स सही यही था, तो हमने क्या किया इन दोनों पार्टों को अलग अलग करके डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान निकाल लिया यहाँ पर, तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान याद करने के लिए क्या करोगे, यहां से हम इसको अकेला करेंगे तो अकेला करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये कहां जाएगा हमने इसको लिख दिया, ये तो कहां जाएगा कि जीरो के बाद जीरो के पास चले जाएगा, यानी वन प्लस जो लॉग एक्स है वो यहां जाएगा तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो यहां क्या मिलेगा वन प्लस लॉग एक्स। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमें क्या प्राप्त होने वाला है कि जो 1 प्लस जो लो जेड है ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई है जो गुणांक वाली जो राशि होती है वह सदैव सामने वाले के कहां चले जाती है हर में, तो ये कहां जाएगा 1 प्लस लो जेड कहां जाएगा नीचे। ठीक है, यानी हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो गई, इसको मैं ले लीजिए समीकरण नंबर दो, यानी हमें जो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्राप्त करना था उसमें से हमने एक्स के रेस्पेक्ट में यहां पर आंशिक अवकलन कर लिया, अब किसके रेस्पेक्ट में करना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो अब की बार किसके लिए करेंगे वाई के लिए, तो समीकरण दो का वाई के सापेक्ष, समीकरण दो का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ठीक है आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स तो पहले ही सही था, अब की बार कौन आ जाएगा डेल वाई और आ जाएगा यहाँ। अब हम इसका वाई के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो अंश में तो कहीं पर भी वाई नहीं है, तो ये तो क्या है कंप्लीटली कॉन्स्टेंट है, तो हमने इसको कहां लिख दिया कि वन प्लस लॉग जेड को तो अलग लिख दिया, लॉग एक्स को तो अलग लिख दिया, लेकिन नीचे वाला क्या है जेड है, और जेड में सारी चीजें होती हैं कि जेड में तो एक्स भी था और वाई भी था, यानी जेड का तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो और वाई के रेस्पेक्ट में भी आप कर सकते हो, तो जब जेड वाले की बात आएगी तो इसको क्या मान रहे हैं कि जैसे वन अपॉन जेड हो, तो वन अपॉन जेड का कितना हो जाता है माइनस का वन अपॉन जेड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा कि वन अपॉन वन प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन जेड का हमने वाई के सापेक्ष तो किया ही नहीं अभी यहाँ पर, क्योंकि जेड में दोनों चीजें विद्यमान है, दोनों जेड में एक्स भी उपस्थित था और वाई भी उपस्थित था यहाँ पर, तो हमें इसका एक बार फिर से करना पड़ेगा, तो वन का तो हो जाएगा जीरो और लॉग जेड का हो जाएगा वन अपॉन जेड, और जेड का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, इस वजह से हमने इसको कैसे लिखा डेल जेड अपॉन वन अपॉन जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 प्लस लॉग एक्स नीचे आ जाएगा जेड 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब हमारे पास सारी चीजें विद्यमान है यहाँ पर कि हमारे पास डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई भी है, हमने जो पहला भाग था वो भी प्राप्त कर लिया, फिर भी हमारे आंसर नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास अभी भी एक संकारक बैठा है जिसका मान मैं यहाँ पर लिख सकूं, तो मैं इसको और आगे हल कर सकता हूँ यहाँ पर, किसको डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, तो वो मेरे पास तो है नहीं यहाँ पर, तो उसको ज्ञात करो, तो मैंने क्या किया डेल जेड अपॉन डेल वाई को और ज्ञात किया ताकि उसको उठाकर मैं कहाँ रख दूंगा यहाँ, और उससे हमारा जो मान है वो हल करने योग्य हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें क्या प्राप्त करना है डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई प्राप्त करने के लिए हमें एक चीज समझो कि जो चीज आपने एक्स के लिए करी है यहाँ पर, ठीक है, वही सेम कार्य किसके लिए हो रहा है y के लिए हो रहा है यहाँ पर, यानी जैसा x था x के पावर x वैसे ही क्या है y की पावर y है, तो इसका जो परिणाम होगा वो भी लगभग इसी की तरह प्राप्त होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स की तरह, तो हम सीधा ही क्या लिख दिया हमने इसकी हेल्प से, क्या आ जाएगा कि माइनस का वन अपॉन वन प्लस, यहाँ एक्स के सापेक्ष कर रहे थे इसलिए ऊपर से क्या आया था वन प्लस लॉग एक्स आया था, और जब वाई के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा वन प्लस लॉग वाई आ जाएगा,
और आगे क्या होगा, वन प्लस लॉग जेड, ठीक है। किसकी सहायता से? समीकरण दो की सहायता से, समीकरण दो की सहायता से हमने ऐसा लिखा, समीकरण दो की सहायता से ऐसा हम कर पाए, समीकरण दो की सहायता, समीकरण दो की सहायता से। अब हमारे पास ये मान दिया गया तो उसको उठाकर कहां रख देंगे, इस वाले में। तब डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, अब देखिए इसका मान यहां पर, यहां ये किसका था, नेगेटिव का, ये किसका है, पॉजिटिव का, और हमें मान भी कहां रखना है, यहां। तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस का वन प्लस लॉग एक्स वन प्लस लॉग वाई हो गया, ऊपर तो आ गए दोनों यहां पे इसको साथ रखने पर, और नीचे क्या मिलेगा, जेड मिल जाएगा, वन प्लस हमें क्या मिल जाएगा, लॉग जेड का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और एक यहां से क्या आ जाएगा, वन प्लस लॉग जेड और आ जाएगा इसकी वजह से, यहां पर हो गई सारी चीजें। तो हमें परिणाम यहां तक हमें प्राप्त हो गया, लेकिन अभी भी हमें जो सिद्ध करना है वो हमें अभी भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन ने एक कंडीशन हमें दे रखी थी जो हमने अभी तक यूज में नहीं ली, कि हमें एक्स बराबर वाई बराबर जेड पर यह चीज सिद्ध करनी है, और सिद्ध वाले में सिर्फ x की टर्म्स होनी चाहिए, y और z नहीं होनी चाहिए। तो जहां जहां y और z है वहां हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों के मान क्या होंगे, वहां पर बराबर होंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, पुनः इसको कैसे लिखा, कि ये तो किसमें कन्वर्ट हो गया, कि वन प्लस लॉग x, और ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, वन प्लस लॉग x में। तो क्या प्राप्त हो गया, कि वन प्लस लॉग x की पावर हमें कितनी प्राप्त हो गई, दो। नीचे z था, z की जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x वन प्लस हो जाएगा ना, जेड की जगह एक्स, तो एक्स वन प्लस लॉग एक्स, दो पावर पहले सी थी, एक और हो गई, तो पावर कितनी हो गई, तीन हो गई यहां पर, तो पावर कितनी हो गई, तीन, ठीक है। किसके कारण हुआ ऐसा, क्योंकि हमने यहां पर क्या माना, एक्स बराबर वाई बराबर क्या माना है, जेड माना है, इसके कारण ऐसा हो रहा है यहां पर। अब हमें इसको सोल्व करके लिखना है, तो यहां से देखो दो पावर से इसकी दो पावर चलेगी, तो कितनी पावर बची, एक पावर। तो अब हमारे पास शेष रिजल्ट क्या रहेगा, हमारे पास जो परिणाम रहेगा उसको मैं यहां लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां हमारे पास परिणाम क्या आ जाएगा, आगे परिणाम देखिए, तो आगे हम लिख पाएंगे यहां से कि माइनस का क्या बचेगा, ऊपर की तो सारी चीज हट गई, नीचे सिर्फ बच रहा है यहां पर क्या, एक्स, और क्या बच रहा है, वन प्लस लॉग एक्स, ये हमें यहां पर और प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊं यहां पर, ठीक है, और इसके साथ साथ इस वन को भी मैं, क्योंकि हम यहां पर देखो वन कहीं नहीं है, यहां पर फुल टर्म्स में वन कहीं नहीं है, तो हम इसको पुनः कैसे लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं कि माइनस का वन अपॉन एक्स गुणा वन को आप जानते हो कि लॉग ई बेस ई का मतलब कितना होता है, वन होता है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, लॉग ई बेस ई, क्योंकि वन का अर्थ कितना होता है इसमें लॉग गणित के अंतर्गत, कि उसी आधार पर उसी को लिख दो, तो ई बेस, क्योंकि हमें ई चाहिए यहां पर, तो ई बेस हमने क्या लिख दिया, ई, उसका मतलब कितना होता है, वन, और आगे क्या बचा, लॉग एक्स यहाँ पर, ठीक है। आगे की लाइन हमने देखी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो लोग जुड़ रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो गुणा में, तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स लॉग ई एक्स, ई बेस पे, कि ई डॉट एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी हर में उपस्थित है, तो हर में उपस्थित है तो ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, पावर नेगेटिव में, तो माइनस तो पहले से ही था, और क्या आ जाएगा, एक्स लॉग ई बेस ई एक्स की पावर माइनस वन, और यही आपको सिद्ध करना था यहाँ पर, कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा ये चीज यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो जब हमारी लाइव कक्षाएं होंगी तो उस समय हम इस चीज को दूर करेंगे, वहां पर जो भी हमारी कमियां होंगी वहां पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो होगा यानी बाकी के जो पॉइंट्स होंगे वो हम नेक्स्ट एक वीडियो में पढ़ेंगे आप, ठीक है।